यार फ्रेंड्स देखो, अगर आप भी चाहे तो आप अपना किसी भी एक डेबिट कार्ड से आप अपना पैसे अकाउंट पे लेना, देन इस वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वीडियो पर मैं आपको बता लूँ कि कैसे आप लोग डेबिट कार्ड से आप अपना पैसा अकाउंट पे ले सकते हो। देखो, अगर आप लोग डेबिट कार्ड से आप अपना पैसा अकाउंट पे लेने के लिए जा रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। सारे के सारे स्टेप मैंने आपको इस वीडियो पर बता कर रखा है, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देख लेना। तो सबसे पहले मेरा जो फोन का स्क्रीन अभी इससे शो हो रही है एंड मेरा जो फोन है यहाँ पर आप लोगों के सामने शो हो रही है। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि कैसे आप लोग डेबिट कार्ड से आप अपना पैसे को अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए मैं जो इस वीडियो में आपको दो मेथड बताने वाला हूं, तो इनमें से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप लोग फॉलो कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो आती है कि आप लोग जो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन के माध्यम से अब अपना पैसे को अकाउंट पे ले सकते हो। तो ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन का जो लिंक है मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप लोग सिंपल से डाउनलोड करके इस पे रजिस्टर कर लेना। जैसे आप लोग रजिस्टर कर लोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जिस पे आपको यहाँ पर अपना क्या करना है, आपको सिंपल से अपना फोन नंबर डाल के इस पे रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही कर लोगे आपको सिंपल से नीचे पे वॉलेट मनी का ऑप्शन मिलती है, वॉलेट मनी के ऊपर आप लोग क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर दोगे आपके सामने यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी अमाउंट आप लोग एंटर कर सकते हो। एंड एक बात देखिए, इस पे आप लोग मंथली 1 लाख से ज्यादा आप लोग ऐड मनी इस पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप लोग अमाउंट एंटर कर देना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। बस मैं आप लोगों को दिखने के बाद 100 रुपीज ऐड करने वाला हूँ एंड आपको मैं उधर मिलू। एंड सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड मिल जाती है, डेबिट कार्ड को यूज करके इस पर आप अपना पैसे को ऐड कर सकते हो। देन आप अपना पैसों को अकाउंट पे ट्रांसफर करने के लिए आपको सिंपल सा सैंड मनी के ऊपर क्लिक करना है, देन बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना है एंड अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद इस पैसे को अकाउंट पे ट्रांसफर कर देना है। बट और एक चीज बात होती है कि इस पैसे को अकाउंट पे लेने के लिए आपको थोड़ी बहुत टाइम लग सकती है, यानी कि इस पे जैसे आप लोग अपना पैसे को ऐड करोगे देन 24 आवर्स के बाद आप लोग इस पैसे को अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हो। एंड सबसे यहाँ पर दिक्कत ये रहती है कि इस मेथड से, ठीक है ना, क्या होती है कि आप लोग जैसे मन के चलो पैसा ऐड कर ले तो बहुत सारे अकाउंट पे ये जो पैसा ना अकाउंट पे ट्रांसफर नहीं होती है। तो अगर आप लोग इस मेथड को यूज करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले 100-200 अमाउंट ऐड करके देखना कि ये जो पैसा ट्रांसफर होता है कि नहीं आपके अकाउंट से। अगर हो जाती है तो अच्छी बात है, आप लोग नेक्स्ट टाइम कर सकते हो। अगर नहीं होती तो आप लोग इस मेथड को यूज मत करो। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ जिसको यूज करके आप अपना डेबिट कार्ड का जो बैलेंस है आप अपने अकाउंट पे ले सकते हो। इसके लिए जो एक एप्लीकेशन की नीड होगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नेम है मोबीक्विक, तो मोबीक्विक एप्लीकेशन के दौरान भी आप लोग इस पैसे को अकाउंट पे ले सकते हो। इस पे भी आपको मोबाइल नंबर देकर साइन अप कर लेना है एंड आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से आपको इस बैलेंस के ऊपर क्लिक करना है, ऊपर में जो 0 शो हो रही है इस पर क्लिक कर देना। देन वॉलेट बैलेंस के ऊपर आपको ऐड मनी के ऊपर क्लिक करना है, तो सिंपल से आप लोग ऐड मनी के ऊपर क्लिक करो एंड इस पे आप लोग कुछ भी अमाउंट एंटर कर सकते हो। तो मैं आप पर 50 रुपीज ऐड करके आपको दिखा दूँ कि ट्रांसफर होती कि नहीं। तो 50 रुपीज मैंने एंटर किया एंड सिंपल से क्या करेंगे हम लोग इस पे ऐड मनी के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैंने इस पे ऐड मनी के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक करा यहाँ पर देख सकते हो, तो मेरा जो है बैंक वगैरह यहाँ पर आ चुका है एंड साथ ही मेरा यहाँ पर डेबिट कार्ड जो है यहाँ पर आ चुका है। तो डेबिट कार्ड से हमें ऐड करना है, तो डेबिट कार्ड को हम लोग सिलेक्ट करेंगे एंड सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से हम लोग पे के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर CVV पूछा जाती है कार्ड का, एंटर करने के बाद पे के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग पे के ऊपर क्लिक कर दोगे ना तो आपके नंबर पे एक OTP सेंड कर दी जाएगी एंड वो जो OTP आपको ऊपर फिल करना है। तो सिंपल से देख सकते हो वी आर बीइंग रिडायरेक्ट, तो आपको इस पर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा 10 से 20 सेकंड का एंड आपके नंबर पे एक OTP सेंड कर दी जाएगी। तो OTP यहाँ पर आ जाएगा एंड OTP को हम लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो देख सकते हो मेरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है एंड यहाँ पर मैं क्या करने वालों, इसमें मेरा जो नंबर है OTP है मैंने इस पर फिल कर दिया। करने वाले सिंपल से सबमिट कर देना। जैसे आप लोग सबमिट कर दोगे आपका जो 50 रुपीज है यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो जैसे आपका पैसा यहाँ पर ऐड हो जाएगा देन आप लोग कैसे ट्रांसफर, ओके। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो 50 रुपीज ऐड कर दिया जो कि पेमेंट मोड देख सकते हो डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड से आप अपना पैसा इस पर ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा आपके सामने यहाँ पर वॉलेट बैलेंस आपको यहाँ पर 50 शो हो जाएगा। देख सकते हो 50 रुपीज यहाँ पर आ चुका है वॉलेट बैलेंस के अंदर एंड अभी इस पैसे को अकाउंट पे लेना है, ठीक है ना। अकाउंट पे लेने के लिए आपको करना क्या है, बैक कर लेना। फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा वॉलेट टू बैंक का, तो वॉलेट टू बैंक के ऊपर आप लोग क्लिक कर देना। जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि आप कौन सी अकाउंट पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको बस दिखने के लिए यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि मैं एक UPI ID पे इस पैसे को ट्रांसफर करूंगा, UPI ID पे। तो जो UPI ID यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हो किसी अदर्स बैंक में ट्रांसफर करना तो भी आप लोग कर सकते हो। ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना बैंक इस पर ऐड कर सकते हो। तो मैं सिंपल से एक UPI ID को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने UPI ID को सिलेक्ट कर लिया है एंड देखते हैं कि UPI ID पे पैसा ट्रांसफर होती कि नहीं। तो 50 रुपीज मैंने इस पर एंटर किया, देख सकते हो एंड यहाँ पर क्या आ रहा है, नो एडिशनल चार्जेस, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। देन सिंपल से आप लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे आपका जो वॉलेट बैलेंस है यहाँ पर सक्सेसफुली शो हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है एंड लाइव प्रूफ के साथ मैं यहाँ पर आपको दिखने वाला हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर प्रोसेसिंग आ रहा है, तो हमें इस पर थोड़ी सी वेट करना होगा। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली पैसा जो ट्रांसफर हो चुका है, देख सकते हो डेबिट हो चुका है मोबीक्विक वॉलेट से एंड पैसा जो है सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ वो भी दिखाऊंगा कि पैसा आया कि नहीं, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो वो जो फोन है मेरे अभी पहले वीडियो शूट हो रहा है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शो कर दूंगा।
जिस पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि पैसा आया कि नहीं, ठीक है ना। तो सिंपल से मैं बैक कर लेता हूँ एक बार, एंड इसको सिंपल से मैं काट कर देता हूँ। ओके एक सेकेंड। ओके तो देख सकते हो ये जो पैसा है सक्सेसफुली एक बार ट्रांसफर हो चुका है, एंड मेरा जो अभी बैलेंस है बिल्कुल जीरो है। तो इस स्टेप से आप अपना पैसा को जो अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हो वॉलेट से, जैसे कि देख सकते हो बैंक ट्रांसफर टू भास्कर वर्मन वॉलेट। तो जैसे तो वॉलेट से मैंने पैसे को ट्रांसफर कर दिया, तो सिंपल से आप लोग पैसे को ऐड कर सकते हो, एंड इंस्टेंटली ये जो पैसा है आप अपने अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना, आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जिसपे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।